subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुक्सा शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना वायरस से 24 घंटों के दौरान मजीद 55 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। मुल्क में वबा से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 10,000 से तजावुज कर गई। हुकूमत ने बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम से फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर अरबों रुपए इजाफी बटोरे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध भर में तमाम सरकारी अराजी व गुजार कराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हैं कि एक नहीं दर्जनों 15-15 मंजिला इमारतें सरकारी जमीनों पर बन गई हैं। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का एक दिन का राहदारी रिमांड मंजूर कर दिया गया। एहतसाब अदालत ने लीगी रहनुमा को लाहौर की मुतालका अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। न्यूजीलैंड ने पहले टेस्ट में पाकिस्तान को 101 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान T20 के बाद टेस्ट के इम्तिहान में भी फेल हो गया। कीवीज को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। Greenish hand sanitizer, Alatrin quality, 75% food grade alcohol, non-sticky or non-oily formula. Aaj hi apni kareebi pharmacy se khareede ya hamari website par order kare www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 905-956-6699। कोरोना वायरस के एक ही दिन में मजीद 2,155 नए मरीज सामने आ गए। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में मजमुई केसेस की तादाद 4,77,240 हो गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के बाइस मजीद 55 अफराद जाबहक हो गए, जबकि एक ही दिन में 2,155 अफराद में मर्ज़ की तशखीस हुई है। NCOC के मुताबिक मुल्क में मजमुई केसेस 4,77,240 और अमवात की मजमुई तादाद 10,047 हो गई है। नेशनल कमांड सेंटर के मुताबिक मोजी वायरस से अब तक सिंध में 3,520 और पंजाब में 3,982 अमवात हो चुकी हैं। मोजी वायरस खैबर पख्तूनख्वा में 1,627, इस्लामाबाद में 415, बलोचिस्तान 182, गिलगित बल्तिस्तान में 10, जबकि आज़ाद कश्मीर में 220 अफराद की जान ले चुका है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक सिंध में मुतासरीन की तादाद 2,13,193, पंजाब में 1,37,295 और खैबर पख्तूनख्वा 57,982 हो गई है। इस्लामाबाद में 37,556, बलोचिस्तान में 18,118, आज़ाद कश्मीर में 8,241 और गिलगित बल्तिस्तान में मरीजों की तादाद 4,855 हो गई है। हुकूमत ने नेप्रा की दरख्वास्त पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 1.06 रुपये फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफा अक्टूबर और नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 1.06 रुपये फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। नेप्रा ने सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी को बिजली 1.52 रुपये महंगी करने की दरख्वास्त की थी। दरख्वास्त अक्टूबर और नवंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दी गई, जिसमें नवंबर के लिए बिजली की कीमत में 95 पैसे फी यूनिट और अक्टूबर के लिए बिजली 57 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त की गई थी। नेप्रा हुकाम के मुताबिक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में नेप्रा में समाप्त मुकम्मल हो गई है और अक्टूबर और नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 1.06 रुपये फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी गई है। नेप्रा हुकाम का कहना है कि अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 29 पैसे फी यूनिट और नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 77 पैसे महंगी की गई है। इजाफे के बाद बिजली सार्फीन पर
8,40,00,000,000 रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। अदालत उज़्मा ने सूबे भर में तमाम सरकारी अराजी व अगजार कराने का हुक्म देते हुए एक माह में रिपोर्ट तलब कर ली। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में जस्टिस सजाद अली शाह और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद पर मुश्तमिल तीन रुकनी बेंच के रूबरू जमीनों के रिकॉर्ड में जालसाजी से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत ने इस्तफसार किया कि बताया जाए कितने रिफाई प्लाट्स पार्क्स सरकारी अराजी वागुजार कराई गई। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बताया कि हम 7 करोड़ फाइलों का कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कर चुके हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि मुतवाजी फाइलें भी चल रही हैं, रोज जालसाजी सामने आती है, मुख्तियारकार अपने दफ्तर और घर में रिकॉर्ड बनाते हैं। जस्टिस सजाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए, ठट्टा में तो बहुत गड़बड़ है, हर एक ने वहाँ मर्जी से रिकॉर्ड बनाया है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू काजी शाहिद परवेज ने कहा कि ट्रैकिंग कोड के जरिए 1985 तक रिकॉर्ड ऑनलाइन देखा जा सकता है। कंप्यूटराइजेशन के दौरान 2,45,000 रिकॉर्ड जारी निकला। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप सुपर हाईवे पर चले जाएं, आपको कब्जा नजर आ जाएगा, कितनी ज़मीनों पर कब्जा है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सरकारी अराजी पर कब्जों का रिकॉर्ड तलब करते हुए सूबे भर में सरकारी अराजी वागुजार कराने का हुक्म दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि 2 साल से केस भुगत रहा हूं, लेकिन नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़ा हूं। गिरफ्तार लीगी रहनुमा का कहना था कि मुझ पर नवाज शरीफ का साथ छोड़ने के लिए दबाव डाला जा रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। नैब ने आमदन से जायद असासों के केस में गिरफ्तार मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को राहदारी रिमांड के लिए एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के रूबरू पेश किया। एहतसाब अदालत ने लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का 1 दिन का राहदारी रिमांड मंजूर करते हुए कल तक लाहौर में मुतालिका अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। ख्वाजा आसिफ को गुज़िश्ता रात नैब लाहौर ने अपनी हिरासत में लिया था और उनका राहदारी रिमांड हासिल करने के बाद अब नैब लाहौर मुंतकिल किया जाएगा। उन्हें तिब्बी मुआयना करके नैब रावलपिंडी के ऑफिस रखा गया था। एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 2 साल से केस भुगत रहा हूं, लेकिन नवाज शरीफ के बयानी के साथ खड़ा हूं। मुझसे कहा जा रहा है नवाज शरीफ को छोड़ दो, 2.5 साल से पार्टी तोड़ने की कोशिश हो रही है। 373 रन्स के ताकुब में कौमी टीम 271 रन्स पर ढेर हो गई। फवाद आलम की सेंचुरी भी पाकिस्तान को शिकस्त से ना बचा सकी। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 60 रन्स की इनिंग्स खेली। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। माउंट मिंगनोई टेस्ट में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 101 रन से मात दे दी। कीवीज को टेस्ट सीरीज में कौमी शाहीनों पर 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई है। पाकिस्तान को जीत के लिए 373 रन्स का हदफ मिला। मेहमान टीम के लिए 5वें रोज़ की पिच पर पूरा दिन बैटिंग करना आसान नहीं लग रहा था, मगर बैट्समैनों ने गैर मामूली मज़ाहमत दिखाई। पाकिस्तान ने 3 विकेट पर 71 रन से इनिंग्स का दोबारा आगाज किया तो अजहर अली 48 रन पर आउट हो गए, जिसके बाद फवाद आलम और कप्तान मोहम्मद रिजवान ने तवील शराकत कायम करते हुए 160 रन की शराकत दारी कायम की और डरा के इम्कानात रोशन किए। मोहम्मद रिजवान 60 रन बनाकर आउट हुए तो कौमी टीम का मजमुआ 240 था। कप्तान के बाद फवाद आलम भी 102 रन पर विकेट गंवा बैठे। यासिर शाह खाता भी नहीं खोल पाए। फहीम अशरफ ने 19 रन बनाए। मोहम्मद अब्बास भी 1 रन ही बना सके। आखिर में पाकिस्तान को शिकस्त टालने के लिए मजीद 5 ओवर्स खेलना थे कि नसीम शाह की हिम्मत जवाब दे गई। वो सिर्फ 1 ही रन बना सके और मिचेल सेंटनर ने उनका शिकार कर लिया। पाकिस्तान की इनिंग्स 271 पर तमाम हुई। शाहीन शाह 8 पर नॉन आउट रहे। न्यूजीलैंड ने पहले टेस्ट में 101 रन से फतह हासिल की। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।